नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आरोपियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इसी कड़ी में आज एमसीडी की टीम जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है। आज से जहांगीरपुरी में योगी स्टाइल में बुलडोजर उतर रहा है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 डिपार्टमेंट अब से थोड़ी देर के बाद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मिशन की शुरुआत करेंगे। इसमें दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार का अवैध कब्जा भी शामिल है। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इनकी तरफ से फ्लैग मार्च भी आज किया गया। दरअसल नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 5 डिपार्टमेंट सबसे थोड़ी ही देर बाद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मिशन की शुरुआत कर रहे हैं और हालात को देखते हुए घरों की छतों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। आप देखिए छतों पर भी आरएएफ के जवान तैनात किए गए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को ख़त्म कर दिया जाए। हर और जो भी मिशन होना है आज, बुलडोज़र अभियान जो चलना है वो पूरा काम सलीके से पूरा किया जा सके। इस बार पुलिस सुरक्षा में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी वजह से छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सर ये शॉट देखिए सर्वर आर्ट पे। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है, लेकिन इस बार छत पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है क्योंकि इसी सी ब्लॉक में हमने देखा था कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सी ब्लॉक में पहुंची थी तो छत से पथराव किया गया, लेकिन अब जब प्रशासन बुलडोजर के जरिए कार्रवाई अवैध निर्माण पर करने वाला है उसको देखते हुए सुरक्षा बल जमीन पर तो तैनात किया ही गया है। साथ ही आप छतों की तस्वीर भी देख लेंगे सी ब्लॉक की, वहां पर भी जो मेन पॉइंट्स है सुरक्षा कर्मियों को छतों पर भी तैनात किया गया है। हालांकि नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी थी जिसमें 400 सुरक्षा कर्मियों का जिक्र किया था कि वो 20 और 21 तारीख को जहांगीरपुरी में जो अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है उसको लेकर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर उस पर चलाया जाएगा, जिसको लेकर 400 के आसपास सुरक्षा कर्मी होने चाहिए और ज्यादातर महिला सुरक्षा कर्मी चाहिए क्योंकि जिस समय दिल्ली पुलिस भी आई थी उस समय महिलाओं के साथ ही दिल्ली पुलिस का झगड़ा हुआ था और बाद में वो झगड़ा पत्थरबाजी पर भी बदल गया था और एक इंस्पेक्टर इसमें घायल हुआ था, लेकिन अब सब तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। छतों पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो सके। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ। ऑर्डर आ गया है, जवान मुस्तैद हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलेगा जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आप देखेंगे भारी सुरक्षा बल जहांगीरपुरी पे तैयार किया गया है। ये कुशल चौक का आप तस्वीर देख रहे हैं, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। दरअसल आज प्रशासन जहांगीरपुरी इलाके में जो अवैध निर्माण इंक्रोचमेंट हुआ है उसको लेकर बुलडोजर चलाएगा। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात है। बुलडोजर निकल पड़े हैं, आज जहांगीरपुरी का अतिक्रमण साफ होगा। सी ब्लॉक की आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो 100 फीट से भी बड़ी सड़क है उस पर अवैध कब्जा किस कदर है कि जो पूरी सड़क है वो एक तरीके से ब्लॉक हो गई थी। और अब आप देखेंगे तस्वीरों में जब से प्रशासन ने बोला है कि अवैध कब्जा यहां से हटाया जाएगा तो लोग भी अब अपना सामान जो है वो यहां से हटा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि रेडियो पर जो अपना सामान है वो अब जो लोगों ने कब्जा किया था वो यहां से अब हटाना शुरू किया गया है और पूरे सी ब्लॉक की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कल जब हम इसी जगह पे रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो चेयर पड़ी हुई है इस चेयर तक ये पूरा जो सामान है वो भरा हुआ था और आप देख सकते हैं कि अब सामान खाली होना शुरू हो गया है। लोग जो है वो अपना अब सामान यहां से आगे ले जाने में लगे। जहां भी अपराधियों ने सिर उठाया वहीं सरकार ने बुलडोजर चला दिया। शुरुआत यूपी में माफिया पर कार्रवाई से हुई, फिर एमपी के खरगोन में हिंसा भड़की तो शिवराज मामा का बुलडोजर आ गया और अब गृह मंत्री अमित शाह के सख्त तेवरों के 24 घंटे के अंदर दिल्ली में एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। जिस जगह पर 5 दिन पहले दंगा हुआ था उस जगह पर आज बुलडोजर चलने वाला है। उस जगह से 24 घंटे में सारा अतिक्रमण साफ कर दिया जाएगा।
इतने बवाल के बाद एमसीडी की नींद टूटी है, अब उसे इस कॉलोनी में अतिक्रमण दिखाई देने लगा है, इसलिए दंगा हुआ तो ये फरमान जारी कर दिया गया। ये है वो फरमान जिसमें लिखा है, स्पेशल जॉइंट एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम इन जहांगीरपुरी दिल्ली, यानी कि एमसीडी के 5-5 डिपार्टमेंट आज जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाएंगे। ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट को लिखी गई है। इसी चिट्ठी के जरिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे हैं ताकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक्शन सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि एमसीडी ने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां पर एनक्रोचमेंट हुआ, इसीलिए बुलडोजर चलाने का वक्त और जगह तय कर लिया गया है। अब एक्शन होना बाकी है, वही एक्शन जो पहले यूपी और फिर एमपी में हो चुका है। आज का एक्शन शुरू होने से पहले एक बार जहांगीरपुरी की इस पब्लिक की ओपिनियन भी देख लीजिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डर नहीं झेला जो वो इस दंगे के बाद झेल रहे हैं। तो ऐसी होना चाहिए कि जिंदगी में भूल जाए कि दोबारा ऐसा कर्म करे, ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो ठीक नहीं लगते, आए दिन घरों के अंदर घुस के चोरियां होती है, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, किसी का मर्डर हो जाता है सामने ही, ऑन द स्पॉट मर्डर कर देते हैं सामने, सबके सामने। यहाँ पुलिस ही ढीली है, यहाँ की प्रशासन ही ढीला है, यहाँ पे नेता यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। हमें यहाँ पे डर डर के नहीं जीना, हम यहाँ पे 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, बहन बेटियां बाहर निकलती है वो डरती है, आखिर ये क्यों, किसके कारण? प्रशासन की तो कमी है। अब डर डर कर रहना है, रात को भर नींद नहीं आती, नहीं देखते, कभी फिर झगड़ा हो जाए, फिर झगड़ा हो जाए, बच्चों को देखूंगी, कभी बाहर देखूंगी, कभी इधर देखो, तो बिल्कुल ढीला है। और इसी बीच ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ चुके हैं। जतिन, किस तरह की कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा, साथ ही आसपास के इलाके की तस्वीर भी आप हम तक पहुंचाइए। जो देखिए, जो 9 बजे के आसपास का समय दिया गया था पुलिस को भी अपनी पूरी तैयारी करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर सी ब्लॉक से दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हिंसा शुरू हुई थी और यही पर ही सबसे ज्यादा हलचल भी आपको नजर आएगी। दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान सुबह से यहाँ पर डिप्लॉय होना शुरू हो गए थे। आप देख सकते हैं कि अलग से एक शिविर भी यहाँ पर बनाया गया, जिसपे स्टाफ टेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सभी लोग रुके हुए हैं, लेकिन इस पूरी सड़क पर इसी तरीके से सुरक्षा घेरा है। कल तक हम देख रहे थे कि सड़क का ये हिस्सा पूरे तरीके से जो है वो कब्जा गया था। आप देखेंगे अभी भी जो सामान यहां से हटाने की कवायद है वो लोगों द्वारा की जा रही है, और लोग बुलडोजर के डर से जो पूरा स्ट्रेच है वो अब यहां पर खाली करने में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इसी जगह पर आप देखेंगे लगातार जो पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, क्योंकि जब बुलडोजर यहां पर पहुंचेंगे किसी तरीके की स्थिति यहां पर खराब ना हो उसको लेकर तमाम तैयारियां। आप देखेंगे कि ये तकरीबन 60 फुट से भी ज्यादा चौड़ी सड़क है, लेकिन इस सड़क का एक हिस्सा पूरे तरीके से अवैध कब्जा उस पर किया गया था और इसी पर ही प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। इसका सबूत आप देखेंगे सड़क के बीच में जो डिवाइडर है यहां तक जो कब्जा किया हुआ था, क्योंकि कल तक हम इसी जगह से रिपोर्ट कर रहे थे तो ये पूरी जगह ब्लॉक थी, यहां पर हम पहुंच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि जिन लोगों ने यहां पे कब्जा किया था वो अब बुलडोजर के डर से खाली करना शुरू कर दिए। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, ये वही जगह है जहां पर पुलिस पर भी पथराव हुआ था, इसलिए इस बार छतों पर भी सुरक्षाकर्मी है उनको डिप्लॉय किया गया है। जमीन पर तो सुरक्षाकर्मी रहेंगे ही, चौकसी बरतेंगे ही, लेकिन छतों पर भी अब सुरक्षाकर्मियों को तैयार किया गया है। आप देखेंगे कि बुलडोजर का डर कितना है कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ जो सड़कों पर कब्जा किया गया था वो अब यहाँ पर लोगों द्वारा हटाया जा रहा है। जब हम सुबह इन लोगों से बात कर रहे थे तो काफी गुस्से में भी लोग थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 10 साल से हम लोग यहाँ पर थे, लेकिन अब हिंसा के बाद से बुलडोजर चलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बुलडोजर का खौफ कितना है, तो पूरा जो स्ट्रेच है वो इसी तरीके से अब जो है वो लोग अपना इंक्रोचमेंट खुद ही यहाँ से हटा रहे हैं। 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचेंगे। जतिन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें तो दोनों तरफ का जो इंक्रोचमेंट है, जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे वो लोगों ने खुद ही खाली कर दिए, तो बुलडोजर के लिए कुछ काम बाकी बचा है कि नहीं? जी देखिए, इतना इंक्रोचमेंट है यहाँ पर कि हालांकि 20 और 21 तारीख का समय दिया गया है कि जब वो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट, आप देखेंगे 4-4, 5-5 मंजिल मकान है, ये तो बात की बात है, लेकिन सड़कों पर किस तरीके से कब्जा है, हम जितनी आगे आपको लेकर चलेंगे आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घरों को भी इस कदर आगे किया हुआ है कि आप फुटपाथ और सड़क के बीच में डिस्टेंस बता पाना बहुत मुश्किल है। क्या कुछ मकानों को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है? जो एमसीडी द्वारा बोला गया है कि अवैध कब्जा जो सड़कों के
के पास किया गया है उस पर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी, चाहे सी ब्लॉक के जिस रोड पर हम है ये भी, और दूसरा जो कुशल सिनेमा के सामने वाला रोड है वहां पर भी दोनों तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जब दिल्ली पुलिस को इस मामले में लेटर भेजा गया था और सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय करने की बात की गई थी, उसके बाद से इलाके में हलचल। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेत का जो काम किया जाता था, जो बेचा जाता था, वो सड़क तक पहुंच गया था। तो यही अवैध कब्जा है जिसको अब लोग खुद भी हटा रहे हैं, और 11 बजे जब बुलडोजर पहुंचेगा तब देखना होगा कि कहां से प्रशासन कार्रवाई करना शुरू करता है। लेकिन पुलिस की जब हम बात करते हैं तो कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर कल रात से ही पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था, अलग अलग सेक्टर्स में। इस पूरे इलाके को बांटा गया है, जो कुशल इलाके की आप बात कर रहे हैं, सी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा इलाका है जिसमें कार्रवाई की जाएगी और कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची है, आरएएफ के जवान वहां पर पहुंचे हैं, और ऐसे में खबर आपने ये भी बताई थी कि फ्लैग मार्च किया गया है, तो किस तरीके से ये पूरा फ्लैग मार्च रहा? जो देखिए जोसना, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का पूरा इलाका होगा। अगर हम राउंड सर्कल में बात करते हैं तो एक सड़क सी ब्लॉक की है, ठीक सामने आप सफेद कलर का टेंट देख रहे हैं वो कुशल चौक है, उससे राइट लेते हैं तो भी सी ब्लॉक की ही वो सड़क जाती है जहां पे मस्जिद है और जहां से एक तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई थी। लगातार फ्लैग मार्च सुबह से यहां पर किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की एक जो टुकड़ी है वो इन्हीं सड़कों पर छोटे छोटे एक तरीके से टुकड़ियों के जरिए फ्लैग मार्च लगातार कर रहे हैं, और पीछे तक आप देखेंगे कि इन दिल्ली पुलिस को बैकअप देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इस बार जो सबसे खास सुरक्षा का इंतजाम वो छतों के ऊपर है, छतों के ऊपर बीच बीच में गैप देकर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर जब दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची थी उस समय पथराव हुआ था, वैसी कोई स्थिति यहां पर ना हो। और आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यहां पर भी दिखाएंगे कि देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं पूरा इंक्रोचमेंट की सड़क के इस तरफ तक पहुंचा हुआ है, यही इंक्रोचमेंट है जो लोगों जो बुलडोजर आएगा तो यही से सारा सामान जो है वो हटाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 5 अलग अलग सेक्टर्स में कुशल चौक को बांटा गया है, हर एक सेक्टर पर 40 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे और उतनी ही संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी उस चौक पर तैनात रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अलग अलग यानी कि 10 गलियों के बाद एक दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन सुरक्षा कर्मियों का घेरा बना रहेगा। जतिन हमें दिखा रहे हैं भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच आज वहां पर अतिक्रमण हटाने के मिशन की शुरुआत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।